नमस्कार सभी मेरे प्यारे मित्र सभी शिक्षक बंधुओं का जय हिंद वंदे मातरम स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा जगत के चैनल राष्ट्रहित में चैनल जयसवाल कोचिंग सेंटर पर दोस्तों बात करेंगे अपठित पद्यांश और गद्यांश का ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं सभी शिक्षक भर्तियों से कलेक्शन किया गया है और ये पार्ट नंबर दोस्तों आठवां पार्ट है और अभी तक हमने सात पार्ट में आपके अपठित पद्यांश और गद्यांश के कंसेप्ट वीडियो अपलोड हो चुका है इसके पिछले आपको वीडियो देखना है पिछले पार्ट देखना है तो कार्ड पे आएगा लिंक आप लोग देख सकते हैं दोस्तों प्रत्येक पार्ट पर हम जो ग्रामर के पोर्शन रहते हैं पद्यांश में पंद्रह से बीस क्वेश्चन इस करवाते हैं यानी कि संभावित प्रश्न भी आपको करवाते हैं तो बहुत ही वीडियो इम्पॉर्टेंट होता है बहुत ही क्लास इम्पॉर्टेंट होती है आइए देख लेते हैं गद्यांश है आपका अपठित पद्यांश है और मध्य प्रदेश के विभिन्न परीक्षाओं में ये पूछे जाते हैं दोस्तों प्रश्न यह है आइए देखते हैं इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए बहुविकल्पी प्रश्न को हमें चयन करना है गद्यांश क्या दिया जा रहा है दोस्तों गद्यांश है आप लोगों का कि प्राचीन काल में जनक महाराज विदेह में राज करते थे मिथिला विदेह की राजधानी थी मिथिला नगरी में राजमहल के आसपास कोई एक हजार सन्यासियों की पर्ण कुटिया थी मिथिला के सिंहासन पर बैठने पर भी महाराज जनक को फकीरी का शौक था कहा जाता है कि महाराज जनक ज्ञानी थे वे इस तरह राज का चलाते थे मानो स्वयं परमात्मा के विनयशील सेवक हैं सुबह से शायम तक सारे राज का प्रबंध करते शत्रुओं का पता करते अपराधी को दंड देते लोक कल्याण के उपाय करते और इतना सब कुछ करने पर भी वे किसी सांसारिक कार्य में लिप्त नहीं होते थे इसी लोग उनको विदेह क्या कहते थे बहुत ही अच्छा यहाँ पे शब्द शब्द पे छुट गया है तो विदेह यहाँ पे जनक कहते थे क्या कहते थे इसलिए लोग उनको विदेह जनक कहते थे ये था आपका गद्यांश दोस्तों और इस गद्यांश से रिलेटेड आइए प्रश्न देख लेते हैं कि विदेह की राजधानी कहाँ थी विदेह की राजधानी कहाँ थी तो हमने इस गाद्यांश में देखा है आपको दिखा रहे हैं कि विदेह की राजधानी यहाँ पे लिखा गया है मिथिला विदेह की राजधानी थी तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन देख लेते हैं चार ऑप्शन हैं तो मिथिला यहाँ पे हो जाएगी विदेह की राजधानी अंग्रा जो प्रश्न इस गद्यांश से पूछा जा रहा है कि राजमहल के आस किन लोगों की कुटिया थी तो हमने यहाँ पर पढ़ा है किन लोगों की कुटिया थी दोस्तों तो राजमहल के आस आपके सन्यासियों की कुटिया थी बी ऑप्शन सही हो जाएगा और अगला गद्यांश से दोस्तों पूछा जा रहा है प्रश्न है कि महाराज जनक को क्या शौक था महाराज जनक को क्या शौक़ था प्रबंधकार का शौक था राज्य शासन का फकीरी का लोक कल्याण को तो हमने गद्यांश से पढ़ा दोस्तों कि महाराज जो जनक हैं उनको शौक था किसको शौक था आइए देख लेते हैं गद्यांश में गद्यांश में देख लेते हैं किसका शौक था महाराज जनक को फ़कीरी का शौक़ था ये लाइन आप नोट कर सकते हैं तो यहाँ पर देखिए कुछ नहीं है गद्यांश बहुत ही सरल होता है और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आप यहाँ पे ला सकते हैं तो पहला ऑप्शन हो जाएगा फ़कीरी का हो जाएगा और ये क्या शौक़ था तो फ़कीरी का सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा अगला जो प्रश्न है आपका कि महाराज जनक परमात्मा से अपना क्या संबंध रखते थे तो हमने इस गद्यांश से पढ़ा क्या संबंध रखते थे सेवक जैसा शत्रु जैसा राजा जैसा देखिए परमात्मा से दिया गया महाराज जनक परमात्मा से अपना क्या संबंध रखते थे अब यहाँ पे देखते हैं अब देखिए परमात्मा दे दिया गया है परमात्मा आप लोग जैसे समझते हैं समझ गए होंगे कि मैं यहाँ पे क्या बातें की गई है देखिए सुबह से शाम तक सारे राज्य का प्रबंध करते शत्रुओं का पता करते अपराधी को दंड देते लोक कल्याण का उपाय करते और इतना कार्य सब कुछ करने के बाद वो भी किसी सांसारिक कार्य में लिप्त नहीं होते थे तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका यानी कि महाराज जनक जो है सेवक जैसा भी राजा जैसा भी शत्रु जैसा भी ये उपयुक्त सभी करते थे अगला जो प्रश्न स्क्रीन पर है प्रश्न यह पूछा जा रहा है कि महाराज जनक राज चलाने के लिए क्या करते थे महाराज जनक जो हैं राज चलाने के लिए क्या करते थे तो अपराधियों को दंड करते थे राज्य का प्रबंध करते थे लोक कल्याण के उपाय करना तो ये सभी करते थे उपरुक्त यहाँ पे सभी हो जाएगा और जो पिछला क्वेश्चन था इसका आंसर क्या हो जाएगा सभी लोगों को पता होगा अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं देखिए महाराज जनक चलाने के लिए राज्य चलाने के लिए क्या करते थे लेकिन राज का प्रबंध भी करते थे अपराधियों को दंड भी देते थे लोक कल्याण के उपाय भी करते थे तो प्रयुक्त यहाँ पे सभी होगा और अब आपका काव्यांश ले रहे हैं दोस्तों इस काव्यांश रिलेटेड प्रश्न कि काव्यांश पढ़ते हैं काव्यांश क्या दिया गया है कि संकटों से वीर घबराते नहीं आपदाएं देख छिप जाते नहीं लग गए जिस काम में पूरा किया काम करके व्यर्थ पछताते नहीं हो सरल अथवा कठिन हो रास्ता कर्मवीरों को ना इससे वास्ता बढ़ चलो तो अंत तक ही बढ़ चले कठिनतर गिर संग ऊपर चढ़ चले कठिन पथ को देख मुस्कुराते सदा संकटों के बीच वे गाते सदा है असंभव कुछ नहीं उनके लिए सरल असंभव कर दिखाते वे सदा यह असंभव कार्यों का शब्द है कहाँ था नेपोलियन ने एक दिन कहा था नेपोलियन ने एक दिन सच बताऊं जिंदगी ही व्यर्थ है दर्प बिन उत्साह बिन और सख्त बिन तो ये था आपका काव्यांश और इस काव्यांश रिलेटेड प्रश्न रहेंगे सभी आपके अपठित आपके काव्यांश हैं और इसके साथ ही ग्रामर यानी कि व्याकरण के प्रश्न आएंगे कि कौन सा लक्षण वीर पुरुष का नहीं है संकटों से घबराते नहीं आपदाएँ देख छिप जाते हैं अपने काम को पूरा करके ही दम लेते हैं काम को करके पछताते नहीं तो सभी लोग जानते बी ऑप्शन आपदाएँ देख कर छिप जाते हैं तो वीर पुरुष जो होते हैं आपदाएँ देख कर छिपते नहीं हैं ये होना चाहिए तो यहाँ पे पुरुष का नहीं है लक्ष आपका क्या है यह लक्षण वीर पुरुष का नहीं है बी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा अगला प्रश्न ले रहे हैं आपके काव्यांश से प्रश्न है प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि कर्म वीरों को किस बात का वास्ता नहीं होता है कर्म वीरों को किस बात का वास्ता नहीं होता है तो मार्ग सरल है तो वह कठिन है इसका वास्ता नहीं होता है जो कर्मवीर होते हैं चाहे मार्ग सरल हो कठिन हो उनके लिए सब है उन्हें कर्म करना है अगला प्रश्न स्क्रीन पर है प्रश्न क्या पूछा जा रहा है इस काव्यांश से रिलेटेड ही प्रश्न है काव्यांश से कठिन का पथ को देख कर कर्मवीरों की क्या प्रतिक्रिया होती है जो कठिन पथ होते हैं उनको देख कर कर्मवीरों की प्रतिक्रिया क्या होती है तो आपकी वे मुस्कुराते हैं क्या है कठिन परिस्थितियों में भी वे मुस्कुराते हैं अगला प्रश्न है कि नेपोलियन ने एक दिन क्या कहा था नेपोलियन ने एक दिन क्या कहा था तो नेपोलियन ने कहा एक दिन असंभव कार का शब्द है असंभव जो है कारों का शब्द है यही एल नेपोलियन ने कहा था अगला प्रश्न आपका काव्यांश से है कि जिंदगी किसके बिना व्यर्थ है जिंदगी किसके बिना व्यर्थ है तो जिंदगी दर्भ के बिना व्यर्थ है उत्साह के बिना सख्त के बिना उपरोक्त सभी के बिना है और यह नेपोलियन ने कहा है नेपोलियन ने इस काभ्यंश में कहा है कि जिंदगी दर्प के बिना उत्साह के बिना शक्ति के बिना सभी के बिना व्यर्थ है अगला जो प्रश्न है किस शब्द में उपसर का प्रयोग किया गया है अब उपसर का प्रयोग शब्द हमें बताना है या आपका गया ग्रामर पोर्शन दोस्तों व्याकरण कंसेप्ट आ गया कि किस शब्द में उपसर का प्रयोग किया गया है तो आप देखेंगे उपकार में उपकार में उपसर्ग का प्रयोग किया गया है अगला प्रश्न ले रहे हैं कि व्यवस्था के पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाएं उसका अर्थ विपरीत हो जाए व्यवस्था में ऐसा कौन सा उपसर्ग लगा दें कि जो उसका अर्थ ही विपरीत हो जाए तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था और यही आपके वर्ग तीन ग्रेड थ्री में क्वेश्चन आना है दोस्तों और इसी टाइप के प्रश्न आएंगे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर आ हो जाएगा व्यवस्था में अगर आप उपसर्ग लगा देंगे तो आप व्यवस्था हो जाएगा अगला प्रश्न ये आपके काव्यांश से है कि क्रदंत प्रत्यय जोड़े जाते हैं जो क्रदंत प्रत्यय होते हैं किस में जोड़े जाते हैं तो ये आपके क्रिया में जोड़े जाते हैं क्रदंत यानी कि सभी लोग क्रिय ये क्रिय ये आपको नोट कर लेना क्रदंत में आपके क्रिया प्रत्यय जोड़े जाते हैं <ँएग> अगला जो प्रश्न है तद्वित प्रत्यय वाला शब्द कौन सा है áe? तो तद्धित प्रत्यय वाला हम यहाँ पर शब्द देखेंगे तो वह है आपका नैतिक नैतिक ही आपका तद्धित प्रत्यय वाला शब्द हो जाएगा अगला प्रश्न है दोस्तों ले रहे हैं स्क्रीन पर है प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि रिक्त स्थान के लिए उचित मुहावरा दिया गया है और मुहावरे में रिक्त स्थान फ्लिप करना है इस वर्ष मेरा बैल भी मर गया और चोरी भी हो गई इसी को कहते हैं क्या बैल भी मर गया और चोरी भी हो गई इसी को क्या कहते हैं तो इसी को ही कंगाली में आटा गीला कहते हैं बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा एक बार सभी मेरे प्यारे मिस शिक्षक बंधु एक बार वीडियो को दिल से लाइक कर देंगे बहुत बहुत धन्यवाद सभी का प्रश्न अंगला अगला बहुत परिश्रम करना निम्न में से किस मुहावरे का अर्थ नहीं है यानी कि आपका निगेटिव प्रश्न हो गया बहुत परिश्रम करना किस मुहावरे का अर्थ नहीं है तो बहुत परिश्रम करना दोस्तों हाथ पाव मारना होता है खून पसीना एक करना कोल्हू का बैल होना लेकिन गाल बजाना नहीं होगा बहुत परिश्रम करना गाल बजाना नहीं होगा यहाँ पर अगला प्रश्न है संज्ञाहीन हो जाना इसके लिए मुहारा क्या सही होगा संज्ञाहीन हो जाना इसके लिए मुहारा जो सही होगा काठ पा काठ मार जाना संज्ञाहीन होना मतलब काठ मार जाना हो जाएगा अगला प्रश्न है अज्ञे शब्द के लिए वाक्यांश का चयन करना है अज्ञे शब्द के लिए किस शब्द के लिए अज्ञे शब्द के लिए वाक्यांश यानी कि एक शब्द में दिया अज्ञे अब हमें वाक्य ढूंढना है कि जिसे देखा ना जा सके जिसे सुना जा सके जिसे जाना ना जा सके जिसे गाया ना जा सके तो अज्ञे किसे कहते हैं दोस्तों तो अज्ञे उसे कहते हैं जिसे जाना ना जा सके उसे अज्ञे कहते हैं अगला प्रश्न स्क्रीन पर है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग करना है यहाँ पर तो एक शब्द का प्रयोग करते हैं तो किस पर करेंगे पच्चीस वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य होने में होने वाला जो उत्सव होता है पच्चीस वर्ष ध्यान दीजिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है हिंदी व्याकरण के हिंदी जगत की बात करें और हिंदी साहित्य की बात करें पच्चीस वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में होने वाला उत्सव जो होता है वह आपका रजत जयंती कहलाती है रजत रजत जयंती जो होती है पच्चीस वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में मनाई जाती है अगला जो प्रश्न दोस्तों है छंद से है कि इस पंक्ति में बताना है कौन सा छंद है बिन सतसग विवेक होई राम कृपा बिन सुलभ न सोई सतसंगति मुद मंगल मूला फल सिद्धि सब साधन फूला यह छंद है अब बताना है दोहा है सोठा है चौपाई है गीत का कौन सा छंद है तो मैंने देखी छंद के ट्रिक आपको बताया था दोस्तों अगर आपने वो छंद का ट्रिक का वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा इन स्क्रीन पर मैं दे दूंगा प्ले में जरूर चेक कीजिए छंद टिक छंद टिक रस टिक सभी कुछ आपको मिल जाएगा दोस्तों तो बिन सतसंग विवेक न होई राम कृपा बिन सुलभ न सोई सतसंगूला फल सिद्ध सब साधन फूला अब लास्ट में देखेंगे क्या है गुरु आ रहा है दोनों आपके गुरु है लास्ट में देखिएगा मूला सभी आपके गुरु आ रहा है अंतिम जो चर अंतिम पद है आपका गुरु है तो कौन सा हो जाएगा कौन सा छंद होगा पहचानने की चौपाई है ये देख लिए सभी में आपका गुरु आ रहा है अंतिम पद जो है गुरु है आपका प्रत्येक चरण में अंतिम पद गुरु है तो आपका कौन हो जाएगा चौपाई हो जाएगा अगला प्रश्न स्क्रीन पर है कि निम्न पक्तियों में कौन सा छंद यहाँ पर बताना है सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणायन चित ही जान की लखन तन अब इस पर बताना है अब इस पर बताइएगा प्रत्येक चरण के अंतिम पद में लघु आ रहा है कौन सा छंद होगा पहचानने वाली बात है दोस्तों तो यहाँ पे सोरठा हो जाएगा क्या हो जाएगा सोरठा हो जाएगा अगला प्रश्न है अपने से बड़ों के लिए पत्र लिखते समय उपसंहार क्या होगा जो अपने से बड़े हैं उनके लिए अगर आपको पत्र लिखना है तो उपसंहार यहाँ पे क्या होगा उपसंहार क्या होगा तो यहाँ पर हो जाएगा आपका आज्ञाकारी आपका स्नेह पात्र आपका कृपा कांची, तो ये सभी हो जाएंगे उपर्युक्त सभी हो जाएगा अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन करना है अयास अवगुण ऐनक एलन अब देखिए शुद्ध वर्तनी ना ही अयास है आपका अयास है कि नहीं है सभी लोग बताएंगे देखिए ऐनक तो शुद्ध नहीं ना एलन ही शुद्ध है ये दोनों नहीं है ए और बी में अवगुण लिखा है आपका और अयास लिखा हुआ है पे शुद्ध वर्तनी किसकी हो जाएगी तो आपकी अयास आपकी शुद्ध वर्तनी है अवगुण किस तरह होता है अवगुण ऐसे होता है ये होगा अवगुण तो आपका अवगुण भी आपका शुद्ध है शुद्ध वर्तनी अयास हो जाएगा अगला प्रश्न स्क्रीन पर है कि अशुद्ध वर्तनी का चयन करना है अशुद्ध वर्तनी कौन सी है तो आप लोग यहाँ सीन पर देख रहे हैं देखिए ईष्ट है उपलक्ष्य है ईमानदार ये सभी है देखिए ईस्ट और ईस्ट बड़ी एक, बोलते हैं कि बड़ी होना चाहिए अलग अर्थ हो जाता है वो ईस्ट और ये ईस्ट में लेकिन अशुद्ध वर्तनी आपका अधीन है अधीन यहाँ पे अशुद्ध वर्तनी हो जाएगा अगला जो प्रश्न है राजभाषा का सही अर्थ क्या होता है राजभाषा तो राजभाषा का सही अर्थ क्या हो जाएगा किसी राज्य की विशेष मातृभाषा सर्वसाधारण की मातृभाषा शुद्ध और साहित्यिक भाषा ये सरकारी कालों में प्रयुक्त होने वाली भाषा तो राजभाषा वही कहलाती है जो राज्य के सरकारी कार्यालयों में प्रयुक्त होने वाली भाषा होती है वही आपकी राजभाषा कहलाती है। और किसी राज्य की विशेष मातृभाषा होती है वह राजभाषा नहीं कहलाती जो आपके सरकारी कार्यों में तो बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और अगला प्रश्न है कि रानी केतकी की कहानी रचना की भाषा है जो रहा रानी केतकी की कहानी है यह रचना है रचना की भाषा क्या है हिंदुस्तानी है खड़ी बोली है उर्दू है क्या है दोस्तों तो राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का खड़ी बोली है जो रानी केतकी की कहानी है यह रचना खड़ी बोली की भाषा में है और अगला प्रश्न है कि निम्न में से पत्थर का पर्यावाची नहीं है यह भी आपका नेगेटिव प्रश्न है कौन सा पत्थरवाची का पर्यावाची नहीं है कौन सा ऑप्शन है तो देखिए अस्म हो गया पाषाण हो गया उपल हो गया और यहाँ पे उपला अगर लिखा होता तो कंडा हो जाता लेकिन यहाँ पे क्या लिखा उपल लिखा हुआ है तो आपके ये सभी पत्थर के हैं लेकिन आपका जो बिटअप है यह पत्थर का पर्यावाची नहीं अगला प्रश्न ले रहे हैं स्क्रीन पर है कि पुहप किसका पर्यावाची होगा पोहप ध्यान दीजिएगा शायद पहली बार सुन रहे होंगे आप पोह तो पोहप पर्यावाची आपका प्रसून का पर्यावाची कहलाएगा दोस्तों मध्य प्रदेश के विभिन्न परीक्षाओं में ये आपके गद्यांश प्रद्यांश पूछे जाते हैं तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एन के पैटर्न पर लिया गया है तो सभी शिक्षक सभी शिक्षक भर्ती से भर्तियों के लिए इम्पॉर्टेंट है अब ये कि ससुराल का तत्सम शब्द क्या होता है दोस्तों अगर ये भी जान लीजिए अगर ये सभी गद्यांश आपके पढ़े आते हैं तो पंद्रह में से पंद्रह कहीं नहीं जा रहा आपका दोस्त ये जो भी दो चार नंबर कम आ जाते हैं तो वो नहीं होने वाला है तो ससुराल का तत्सम शब्द क्या होगा ससुराल ये आपका तद्भव शब्द है Sea, अगर हम इसे तत्सम बोलें तो ससुराल हो जाएगा ससुराल तत्सम शब्द वे शब्द कहला हैं जो संस्कृत से सीधा आपके हिंदी में रूपांतरित हो जाते हैं तो ससुराल इसका तत्सम होगा और ससुराल तद्भव हो जाएगा अगला प्रश्न है कि दंत धावन का तद्भव क्या होगा दंत धावन अब दंत धावन आपका तत्सम शब्द है इसका तद्भव बताना है तो दंत धावन का क्या हो जाएगा दातौन हो जाएगा क्या हो जाएगा दंत धावन का तद्भव दातौन हो जाएगा अगला प्रश्न ले रहे हैं दोस्तों स्क्रीन पर है और प्रश्न पूछा जा रहा है अभ्युदय में कौन सी संधि होगी अभ्युदय अभ्युदय में कौन सी संधि होगी सभी लोग कमेंट करें यण संधि गुण संधि दीर्घ संधि वृद्धि संधि तो यहाँ पे आपकी यण संधि हो जाएगी अभ्युदय में और पित्रादेश का संधि विच्छेद यहाँ पे क्या होगा तो आपका पितृ आदेश यहाँ पे संधि विच्छेद होगा पितृ आदेश तो दोस्तों ये रहे आपके आज के गद्यांश पद्यांश रिलेटेड प्रश्न और संभावित प्रश्न आपके प्लेलिस्ट में जाएं जरूर चेक करें सभी क्लासेज आपको मिल जाएंगी आपके सिलेबस के आधार पर आपके एग्जाम के पैटर्न के अनुसार पर और एग्जाम्स दोस्तों बहुत ही नज़दीक हैं तो तैयारी ज़ोरदार कीजिए और एक सरकारी सीट एक सरकारी शिक्षक अध्यापक के तौर पर आपकी अंगली सीट होनी चाहिए और किसी गांव में या शहर में आप अध्यापक के पद पर नियुक्त हों और आपका सपना पूरा हो आपके परिवार का सपना पूरा हो तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली क्लास से मिलते हैं सभी मेरे प्यारे मित्रों को जय हिंद वंदे मातरम धन्यवाद सभी का